18वें लोकसभा के स्पीकर के ओहदे को लेकर मुल्क की सियासत एक मरतबा फिर गर्मा चुकी है। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार लोकसभा स्पीकर के लिए इंतखाबात होंगे। एनडीए की तरफ से ओम बिरला जबकि अपोजिशन इंडिया ब्लॉक की तरफ से के सुरेश ने स्पीकर के ओहदे के लिए आज पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। दरअसल अपोजिशन डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर बजिद थी। अपोजिशन ने पहले ही कहा था कि अगर डिप्टी स्पीकर का ओहदा ना मिला तो वो स्पीकर के ओहदे के लिए भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इब्तदाई तौर पर खबर आई है कि एनडीए और अपोजिशन के दरमियान लोकसभा स्पीकर के हवाले से एक मुआहदा तय पा गया था और ओम बिरला एक बार फिर स्पीकर के ओहदे पर फायज होने वाले थे, लेकिन पार्लियामेंट पहुंचते ही कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी के बयान से सियासत गर्मा गई। राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन को राजनाथ सिंह का फोन आया था। उन्होंने कहा था कि अपोजिशन स्पीकर के ओहदे की हिमायत करें और इत्तेफाक राय पैदा करें। राहुल ने कहा कि हमने कहा था कि हम स्पीकर की हिमायत करेंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर का ओहदा अपोजिशन के पास जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को वापस कॉल करेंगे और तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाएंगे, लेकिन वो कॉल अभी तक नहीं आया। मोदी कहते हैं एक और करते कुछ और, अपोजिशन को डिप्टी स्पीकर का ओहदा मिलने पर ही हिमायत की जाएगी। राहुल के इस बयान के बाद स्पीकर के ओहदे को लेकर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफ वाजे तौर पर नजर आ रही है। इसी दौरान ओम बिरला ने स्पीकर के ओहदे के लिए नामजदगी दाखिल की। दूसरी जानिब इंडिया ब्लॉक की जानिब से के सुरेश को स्पीकर के ओहदे का उम्मीदवार बनाया गया और उन्होंने अपना पर्चा नामजदगी भी दाखिल किया। इससे कबल एनडीए की जानिब से स्पीकर के इंतखाब के लिए इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की गई थी और बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं ने इंडिया ब्लॉक के रहनुमाओं से बात भी की। इस पूरे वाक़े पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुल्क मुस्तकबिल की तरफ देख रहा है, आप अपनी कोताहियों को छुपाने के लिए माजी को नोचते रहते हैं। लोकसभा स्पीकर के ओहदे के लिए कल यानी चारशुंबे की सुबह 11 बजे ऐवान में वोटिंग होगी। इलेक्शन आफ्टर रिजल्ट ओनली वी कैन अंडरस्टैंड। सर संख्या बल तो साफ दिखाई देता है, अभी क्या रणनीति रही है कि आप कौन से डिप्टी स्पीकर हैव यू मेजॉरिटी यू हैव नॉट मेजॉरिटी डिस्पाइट दैट यू हैव फाइट वेदर विनिंग और लूजिंग देयर इज अ कन्वेंशन इन लोकसभा so speaker will be in the ruling party or opposition will be the deputy speaker last two lok sabha they denied us because they said you are not a recognized opposition now we are a recognized opposition the it's a deputy speaker is right for us but they are not ready to give us again till 11:50 we are waiting for the reply from the government side but they didn't give any reply That's why fine. Time is there. Time is there. आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है, तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे।